तो भाई लोग जिसका डर था वही हुआ। हाँ भाई मैं देख के आया हूँ वेन ऑफ द लास्ट डांस। लास्ट नाइट मैंने देखी वेन ऑफ द लास्ट डांस हिंदी डब वर्जन में, 3D में देखी। क्योंकि भाई देखो मतलब जिस दिन फिल्म को रिलीज होना था 25 अक्टूबर 2024 को, उस दिन तो रिलीज कर ही रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया शाम के शोज डाल दिए 24 अक्टूबर 2024 को ही। मतलब एक दिन पहले इन्होंने शाम के शोज डाल दिए, जैसे कि भाई बड़ी सारी बॉलीवुड की फिल्म लीक करती है। तो क्या भाई फिल्म के टॉपिक पे आते हैं, पहले तो भाई फिल्म ठीक ठाक ही है, इन कुछ खास नहीं कहूंगा। जो नगलन वाली जो बखलोली चीजें चल रही है ना, आई मीन ठीक ही है, इतना कुछ ज्यादा हाइप करके नहीं रखते फिल्म को, ठीक है। फिल्म को देखने के लिए तुम्हें वेनम 1 और 2 देखनी है, पोस्ट क्रेडिट सीन तुम्हें पता रहना चाहिए, मोरबी वाली थोड़ी कुछ चीजें हैं वो पता नहीं चाहिए, एंड अगर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये देखना तो नहीं चाहिए, लेकिन बाकी तुम्हारी मर्जी है। स्पाइडरमैन 3 में भी हमें वेनम का इंट्रोडक्शन दिया गया था, बाकी तो तुम्हारी मर्जी, अगर वो देखना चाहो तो देख सकते हो। पुरानी वाली स्पाइडरमैन 3 है वो, हाँ ठीक है भाई। स्टोरी ऐसी है कि फिल्म की स्टोरी शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पे नो वे होम खत्म हुआ था, एंड जो भी कुछ बकरी चीजें हुई थी वहाँ से जो बारटेंडर जो कि आते हैं, जो भी कुछ चीजें होती है, फिर ज्यादा कुछ स्पॉइलर नहीं दूंगा, ठीक है, स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, ठीक है। तो भाई फिल्म की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पे नो वे होम खत्म हुई थी। फिल्म में एक ही कपड़ा पहनता है जो नो वे होम की पोस्ट क्रेडिट सीन में था, जो लगा टी शर्ट था वगैरह वगैरह चीजें जो भी कुछ थी, ठीक है। तो भाई गॉड ऑफ सिम्बायोट जो कि वापस जो कुणाल जो कि बैठा हुआ है, और ये कुणाल वाली जो बकरी चीजें की है ना भाई, ये लोग ने फिल्म में थोड़ा कुछ दिखाया है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। खेलने की बॉडी में एक ऐसी चीज है जो कि भाई चाहिए गॉड ऑफ सिम्बायोट, जो कि भाई गॉड ऑफ सिम्बायोट जो कि किनल जो कि ये जो बकलोली चीजें की है ना भाई किनल के साथ, खैर ठीक ही है, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। और भाई सेकंड पार्ट में ये देखा था लेट देयर बी कार्नेज, कि भाई हाँ मतलब वो सिम्बायोट आ रहे हैं वेनम को मारने के लिए, और जो भी कुछ बकलोली चीजें हो रही है वैसे ये थर्ड पार्ट में सेम टू सेम है, बस यहाँ पे इन्होंने डाल दिया गॉड ऑफ सिम्बायोट जो कि भाई हमारा किनल, और वहां से जो भी कुछ सिम्बायोट्स आ रहे हैं बच्चों की एडी ब्रॉक को मारने के लिए, या फिर एडी ब्रॉक के पास जो चीज है उनको चाहिए, बस इसी के आसपास ये फिल्म चलती रहती है। ज्यादा लंबी भी नहीं है, 1 घंटे 45 मिनट के आसपास की ये फिल्म है, ज्यादा कुछ लंबी नहीं है, ज्यादा तुम्हारा ये टाइम लेगी नहीं, लेकिन ये बिल्डअप देने में बहुत ही ज्यादा टाइम लेती है, थोड़ी कुछ बोरिंग सीन्स है, यू विल बी लाइक भाई क्या ही चल रहा है, ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट पे क्यों नहीं आते तुम लोग, ठीक है। और भाई फिल्म के एंड में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, तो जाने के लिए रेडी मत हो जाना जैसे फिल्म खत्म हो, तो भाई रुकी रहना बेटर एंड ऑफकोर्स तुम्हें पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मार्वल एंड सोनी की फिल्म है, और भाई स्टोरी में तो बोल रहा हूँ तुम हटाई लो तुम्हारे हाथ वेनम से, ठीक है। और जो सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के नाम से जो बकलोली चीजें चल रही है ना, कसम से मतलब हटाई दो, आई डोंट केयर भाई, ठीक है, मतलब इतनी ही बकलोली चीजें हो सकती है कोई फिल्म में, ठीक है। सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का जो पूरा पूरा यूनिवर्स खड़ा किया है, स्पाइडरमैन है कहाँ पे तुम्हारा, खैर आएगा आई नो, देखो आएगा, ठीक है, बट कब, अगले जन्म में, अगले यूनिवर्स में, खैर बाकी देखो फिल्म ठीक ठाक ही है। बाकी अगर तुम्हें इनकी केमिस्ट्री देखनी है एडी ब्रॉक एंड वेनम की, जो कि भाई काफी बढ़िया, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में रहती है वैसे ही, मतलब चुम्बेश्वरी, क्योंकि इसके लिए पर्सनली मैं गया था, क्योंकि मुझे पता है इनमें कुछ रहने वाला है नहीं, कि केमिस्ट्री देखो शांति से बैठ के इसके चुपके पॉपकॉर्न खाओ, ठीक है। बाकी स्टोरी वैसी घिसी पिटी है, थोड़ी कुछ जर्नी पे जाता है, जैसे मतलब वो स्टोरी आगे बढ़ती है, वो बंदा जर्नी पे जा रहा है, मतलब उसको न्यूयॉर्क जाने के लिए गाड़ी में बैठना पड़ रहा है, वो नए नए लोगों से मिलता है वगैरह वगैरह चीज़ें, और वेनम के साथ जो एंड में हुआ, खैर होना तो नहीं चाहिए था, खैर स्पॉइलर फ्री है, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा, कुछ नहीं हुआ वेनम को। बाकी इस को यही पे एंड अप करते, ज्यादा कुछ लंबा भी नहीं कहूंगा, ठीक है। बाकी तुम तुम्हारे फ्रेंड्स बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स एंड विचार है इस फिल्म के बारे में, और अगर तुमने फिल्म देखी है तो मुझे जाते हुए कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो स्पाइडरमैन 4 में भी वेनम नहीं देखेगा। मिलते हैं, बाय।